बाय 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 बाय। ये स्कूल जो है पाकिस्तान का, ये भागते गए अपना लोग आगे आते आते गया आते गए और पाकिस्तान आगे नीचे आ गए, पाकिस्तान ऊपर इंडियन नीचे, किसी का बाप उधर फंस गया, किसी का माँ इधर फंस गया, किसी ये सब राज में तो जैसे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो कल वाले व्लॉग में मैं पहुँच गया था त्याक्सी और त्याक्सी से ना ऊपर को जा रहे हैं। एक्चुअली क्या था, यहाँ से अभी ऊपर जाके हमने शूट करना है वहाँ की कुछ लोकेशन और कुछ बढ़िया बढ़िया लोगों से बात करनी है कि वहाँ क्या कैसे पाकिस्तान बना और कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और कितने लोग एक दूसरे से बिछड़े, क्योंकि यहाँ की ना बहुत बड़ी स्टोरी है। तो उसके लिए ना मैं सोचा कि एक बार इसका पार्ट अलग बनाऊंगा। तो रोहित लोग तो ऊपर चले गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया था, तो मैं जा रहा हूँ अब आगे को और मिलते हैं फिर अब सीधे टैक्सी की तरफ। तो हम टैक्सी पहुँच गए थे और टैक्सी पे ना ये सामने देखो इतना बड़ा पत्थर गया था, तो उसके लिए रास्ता बंद हो गया था। तो यहाँ के ना लोकल्स ने सबने मिल के रास्ता खोल दिया हमारे, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो भैया हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का बॉर्डर, तो आप देख लीजिए जो सामने बीच वाली चोटी है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान समझते हो ना आप लोग क्या होता है पाकिस्तान, हमारा क्या है बच्चा, तो हमारा बच्चा हमारे सामने था, पहली बार पाकिस्तान के पहाड़ देखे मैंने। तो अभी यहाँ से ना अभी जाएंगे टैक्सी गाँव, टैक्सी गाँव में देखते हैं कि क्या है वहाँ माहौल अभी जाने का रहने का, क्योंकि ना वहाँ आपको ना दिख जाएगा पाकिस्तान सामने सामने, तो जैसे सामने यहाँ से पाकिस्तान, तो वहाँ से कुछ चौकियाँ हैं तो दिख जाती है। तो ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको टैक्सी गाँव। टैक्सी गांव में मिल गए अपने देहरादून में रहे भैया, भैया आपका नाम है? मेरा नाम नजफ अली। नजफ अली और भैया ना टैक्सी गांव में रहते हैं, आप यहाँ कभी कभी आते हैं? नहीं रहते ही हैं? नहीं किसी गांव का है सर। अच्छा नहीं नहीं दूसरे गांव के जॉब करते हैं कहीं बाहर? जॉब करते हैं। मैं अभी मेरे को ले दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में रहते हैं, ओके। तो आप यहीं मिलेंगे हमको काम को? हाँ मैं आप लोग यहीं देख रहे हैं सर्च करते हैं। आप लोग होम आपको अगर हम अपना टेंट लगाना चाहते हैं, टेंट लगाना चाहते हैं? टेंट लगाना चाहते हैं तो आप अभी टेंट आगे भी लगा सकते, आगे लगा सकते हैं ना, आगे शुअर लगा सकते। आप लोग क्या करते हैं सर काम? हम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग हाँ। कौन सा चैनल? मेरा देवभूमि मोटर ब्लॉग के नाम से। अच्छा चलो चलो मैं मिलते हैं आप। ओके थैंक यू। ओके बात करने में व्यवहार के बड़े अच्छे हैं सामने से और बहुत अच्छे से बात करते हैं। इस तरीके से कुछ गांव है, बच्चे हैं कुछ जो गेम खेल रहे हैं। कौन कौन खाएगा? तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना कुछ दो, तो इन्हीं के लिए हम लाए थे टॉफी वगैरह, तो इनको दे रहे हैं हम टॉफी और यहीं गांव में, और देखते हैं कुछ कोई मिले तो उनसे बातचीत करें और फिर अपना रहने का टेंट वगैरह कुछ और बताते हैं लगाने का, तो फिर लेके आएंगे टेंट। लेकिन ना इधर ऊपर इतने टेंट लेके आना बहुत मुश्किल लगा हमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेंट नीचे रख देंगे और ऊपर स्लीपिंग बैग ले आएंगे। तो चलो कुछ देखते हैं ना, आपको खुमानी के इतने पेड़ मिल जाएंगे ना, दुनिया भर के पेड़ और खुमानी खुमानी। यहाँ हम आधे घंटे ना सिर्फ खुमानी खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ ना ये बहुत सारे कब्रिस्तान है, तो ना अभी मुझे पता चला कि जो यहाँ पे कब्र वगैरह है ना ये सामने, और यहाँ बहुत सारी मतलब कब्र खुदी हुई है बनी हुई है। और कहते हैं ना जब इंडियन और पाकिस्तान का वार हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो उस समय जो लोगों ने इसमें साथ दिया था ना, तो उसमें बहुत सारे लोग मरे भी थे, तो कुछ कब्रें इधर उनकी भी है, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ ना यार खुमानी, इतनी सारी खुमानी है ना, हम अब इतना परेशान हो गए ना खुमानी देख देख के, पागल हो गए हैं। और यहाँ ना एक लास्ट कैफ़े पड़ता है, तो हम वो देखने जा रहे हैं, अगर मिल जाता है तो पता करते हैं, वरना फिर वापस अपना तुरतुक में रुकने का प्लान करेंगे। लेकिन अभी ना उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनमें से एक एरिया ये भी है जो मेरे पीछे है। यहाँ लास्ट टाइम तक ना कैफ़े हुआ करता था, कौन सा कैफे था इधर लास्ट तक? लास्ट कैफे बॉर्डर कैफे। तो लास्ट बॉर्डर कैफे करके एक कैफ़े था जो अब नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ लोग भी कम हो गए, तो एम्बर्डेड हो गया है पूरा एरिया और ख़त्म हो गया लास्ट। देखिए एक यहाँ मेडिकल स्टोर भी है, मेड सब सेंटर, तो एक वो भी था, वो भी बंद पड़ा है। तो समझ लो यार सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया, ख़त्म हो गया। लोग यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं पता नहीं,
क्योंकि यहाँ तो हमें कोई दिख नहीं रहा है, बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो कुछ यहाँ के बारे में बताइए ना, यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये, क्योंकि बताते हैं कि ये ना, आइए बैठिए, बैठते हैं दोनों भाई, आइए। चलो आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हुसैन भैया, तो भैया मुझे ये बताइए ना, ये किसी टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो वो कब की बात है? 71 से पहले ये पाकिस्तान के अंडर में था। 71 से पहले ये पाकिस्तान का हुआ करता था। फिर कुछ बताते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव हो गया था। एक रात में ही चेंज कर दिया। क्या हिस्ट्री थी उसमें? अपना इंडियन फौज का पावर ज्यादा था। हाँ, पाकिस्तानी का वो अभी भी है। वो अभी भी है। हाँ, तो वो क्या हो गया, वो लोग पीछे भागते गए, अपने लोग आगे आते आते गया आते गए। पहले वहाँ पे सीपी ब्रिज है ना। हाँ, वहाँ इस पार जो है पाकिस्तान का था, उस पार बोदाम की तरफ इंडिया का था। तो झगड़ा लड़ाई हो गया, लड़ते वो पीछे भागते गया, हम आगे आते हम लोग आगे आ गए थे। बिल्कुल। तो हमने फिर यहाँ लास्ट टैक्सी गाँव तक अपना लास्ट थांग में हम अपना एक बार कर लिया था, वहाँ तक कवर कर लिया। फिर रात को सुनने में आया सर ये, तो इधर रात को पार्टी मनाया। पार्टी मनाने के बाद फिर वो लोग ऊपर सारे ऊपर पहाड़ के ऊपर वो लोग चढ़ गया। हाँ। फिर वहाँ से उनका ताकत स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर वो अपना लोग सब नीचे बैठ गया, वो लोग ऊपर बैठ गया। मतलब हाँ। इंडियन आर्मी ऊपर आ गई और पाकिस्तान आर्मी नीचे आ गई। पाकिस्तान ऊपर, इंडियन नीचे। अभी जितना भी टॉप है ना सर। हाँ। पाकिस्तान के अंडर में टॉप वाले। अच्छा, पहाड़ी का जितना भी टॉप है। तो ये जो ये सामने जो ये पहाड़ है, ये किसका है? ये तो इंडिया का। तो पोच है ना, बॉर्डर सब पीछे में है सर। अच्छा, ये भी इंडियन पहाड़ है ना। आ, ये सब इंडियन पहाड़ है। ये टॉप है ना। और वो वाले जो सामने वो वाले पहाड़ है, वो वाले वो टॉप सारे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के पहाड़ है। हाँ जी। तो कुछ ऐसा भी हिस्ट्री थी ना कि कहते हैं कि कुछ लोग जब थांग के लोग थे, जो नीचे वो अपने खेती करने के लिए गए थे, तो दिन में वहीं फंस गए थे, फिर वो पाकिस्तान को क्या था, क्या कैसे क्या उधर वो गांव जो है नजदीक में था। हाँ, कोई किसी का उधर खेती, मतलब हुआ कैसे। तो वो लोग क्या करते सर, अभी थोड़ा दूर है इसलिए कोई इधर बैठे रहा, कोई उधर बैठे रहा, ज्यादा दूर है इसलिए वो आने जाने में थक जाता है। तो कोई सोचा इधर बैठ के काम करे, कोई बैठ के उधर काम करे, सोचा। फिर रातों रात गेम चेंज हो गया, फिर पोलो अपने फंस गया। जो वहाँ फंसा वो वहीं रह गया, वो ये यहीं रह गया। किसी का बाप उधर फंस गया, किसी का माँ इधर फंस गया, किसी का बीवी उधर, किसी का पति इधर फंस गया। तो सब ऐसे ही, मतलब जो उधर था वो उधर का रह गया, जो इधर का था इधर का। कहाँ पर सामने देखा नहीं आप लोग? दिखाने जरा, आओ साथ में आओ जरा। अरे मेरे को बनाए थे पाकिस्तान में। कौन सा? और इसमें पढ़ाई करने के लिए बच्चे आए थे हिंदुस्तान से। देखो ना सर, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। कभी सिविलियन भी बढ़िया है। हाँ। तो फौज भी बढ़िया। अगर सिविलियन थोड़ा गलत हरकत करेगा तो फौज भी गलत करेगा। रास्ता है ना, जब ये जो कौन सा रास्ता, पहाड़ के ऊपर जो रास्ता जो देखा है ना। हाँ। के ऊपर है वो लाल मिट्टी जैसा है, लाल मिट्टी जैसा ऊपर। हाँ। हाँ, उधर जो है अपना इंडिया का पोस्ट है, पोस्ट कैमल पोस्ट बोलते हैं, कैमल पोस्ट। हाँ, आधा घंटे का रास्ता है नीचे, उधर पीछे जाके। हाँ। उधर जो है जोगी बोलता है, जोगी हमारा। हम जो है फौज का सेवा जो है, यहाँ जो रास्ते जो है हम गधे के ऊपर लोड चढ़ा के। अच्छा। जाता है। अच्छा। उनको पानी राशन सब कुछ। 99 जैसे लड़ाई में इतना गोला गिरता, इतना गोला गिरता, फिर भी हमने रात को बिल्कुल सीना तान के फौज का सेवा। बिल्कुल, मैं उस टाइम मैं खुद चला था यहाँ से। ऊपर से शेलिंग आता था, गोला गिरता था, सामने लगता था। पाकिस्तान की साइड से, पाकिस्तान की साइड से आता था। हम ऊपर फौज को राशन पहुँचा के रात को 2 बजे वापस। अब जो ये स्कूल जो है। अच्छा, ये वाला ये स्कूल जो है पाकिस्तान का है। ये स्कूल पाकिस्तान का अभी भी नीचे, अभी नहीं। आपने नीचे हिस्ट्री उधर लिखा हुआ है। अच्छा, ये स्कूल जो है पाकिस्तान का, बिल्डिंग जो है पाकिस्तान ने बनाया। अच्छा, ये बिल्डिंग पाकिस्तान बनाया था। ये बिल्डिंग जो है पाकिस्तान ने बनाया था, इसमें जो है पढ़ाई लिखाई अपना इंडियन ने किया। तो भैया ने ना हमको बताया कि ये स्कूल था जो पाकिस्तान के अंदर था किसी जमाने पे, जब पाकिस्तान ने ये स्कूल बनाया था उसके बाद इंडिया का हो गया। तो भाई ये देखो क्या क्या चीजें हमको देखने मिल रही है यहाँ से। और ये गांव थांग है भैया, ये वाला गांव थांग है ना सामने। अच्छा, इसके इधर इसके आगे थांग है। ये कौन सा गांव है? ये तो ये टैक्सी का गांव है सर। हम जो है सर्दी में टैक्सी का, हम तो 6 महीना नीचे 6 महीने ऊपर। तो ये वो स्कूल है जो पाकिस्तान का कभी हुआ करता था और अब ये इंडिया का है। और यहाँ ना बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं करी थी पाकिस्तान के, अब हमारे इंडियन बच्चे जो है ना यहाँ पढ़ाई करते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी शायद अभी पता नहीं अब ये है या नहीं है, लेकिन अभी एम्ब्रॉयडर्ड तो लग ही रहा है। तो चलो भाई, अब हम ना नीचे को जा रहे हैं वापस अपने बाइक के पास, वहाँ से तुलतुक को जाएंगे और वहाँ अपना कैंप या कुछ भी जैसा भी होगा वहाँ जाके देखते हैं। अब ये गांव से निकलते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो हम रुकते हैं, अब यहाँ कुछ है नहीं तो रुकने का फ़ायदा है नहीं, इसलिए हम चलते हैं नीचे को और नीचे वहाँ आपको दिखाते हैं कुछ और नज़ारे
तुरतुक पे। कैमरे में हेलो करो। इस बार कोई दिख नहीं रहा है गांव में ना, बहुत कम लोग हैं। ठीक है अंकल, ओके बाय बाय, ठीक है। बाय 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 बाय। तो अभी हम आ गए थे नीचे और यहाँ ना इतनी सारी बाइक हो गई, अपनी बाइक फंस गई है, तब ये निकालनी है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं त्रिकुट। तो अभी ना हम टैक्सी पे आ गए थे एक होटल पे जिसका नाम है टैक्सी हिडन पैराडाइज। तो वहाँ पे आज हमारा स्टे है और हमने ना कुछ इस तरीके का कैंप वगैरह लिया हुआ है। तो आज की नाइट ना हमारी टैक्सी में कुछ एक लग्जरी स्टाइल में गुजरेगी और आज हम बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा रहन सहन में रहेंगे अपनी ज़िंदगी। और आज ना हमारा जो बजट था ना वो थोड़ा सा ऊपर चले गया है। हमारा जो बजट कितना 3000 के आसपास का बैठा ना हमको, 3000 का बैठा है, लेकिन 3000 में ना हमको तीनों को रहने का, खाने पीने का, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, कावा, और अभी हमने कावा पी ली है, ये हमने कावा पी ली और सुबह भी हमको कावा मिलेगी, बाकी गर्म पानी वगैरह सब मिलेगा। तो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल तो नहीं कहेंगे, मतलब हाँ ठीक है कि हमको इतने में यहाँ मिल रहा है। और हमारा प्लान था टेंट लगाने का, लेकिन टेंट लगाने का यहाँ जो आर्मी वाले थे ना वो मना कर रहे थे कि यहाँ टेंट नहीं लगा सकते हो आप लोग, और लगाना पड़ेगा तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर नीचे जाके टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला यार टेंट 10 किलोमीटर जाने से अच्छा तो हम यहीं कहीं पर रूम ले लेते हैं और यहीं पर अपना टेंट, यहीं टेंट पर रह लेंगे। तो जो हमारा रूम है ना कुछ इस तरीके से है और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा रूम है, तो शायद आपको पसंद भी आ जाए, हमको तो बहुत पसंद आया था और लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। हम तीन लोग हैं तो मैं अपने सोचा कि मेरे को थोड़ी सी कमर की दिक्कत भी है, तो मैं नीचे अपना सोने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, कि मेरी कल परसों दो दिन कमर दर्द थी, मैं नीचे सोया था, उससे मुझे आराम मिला। यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल है और यहीं अभी खाना पीना होगा और रोटी आ गई है, बाकी खाना पीना आ रहा है। इसको दाल इतनी प्यारी, इतनी मतलब हमारे अपने जितनी ट्रिप हुई है ना, इतनी खूबसूरत, इतनी सेक्सी, इतनी हॉट, बहुत प्यारी। जैसे काजल लगा रखा था ना तो बहुत प्यार लग रहा था, तो दाल बहुत प्यारी हो गई है, बहुत टेस्टी है। मतलब इतने पहाड़ में आने के बाद आपको इतने टेस्टी खाना मिल रहा है, रोटी से ले ले, एक नंबर टेस्ट। तो अभी ना जैसे हमने डिनर करा, डिनर करने के बाद हमने, भैया ने ना हमारे लिए बॉनफायर का इंतजाम करा था और वहाँ पे ना बॉनफायर हो रहा था, लेकिन अचानक से बारिश आ गई और सारा जो मामला था ना तहस महस हो गया और वापस आ गए हम अपने टेंट के अंदर। और अभी ना हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, अगर बाई चांस बारिश रुकती है तो बॉनफायर करेंगे, वैसे अब तो रहा नहीं प्लान वैसे बॉनफायर का, तो रजाई वगैरह आती है सोते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तो अभी तक आपने मेरा वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का वो गांव जो इंडिया ने एक्वायर कर लिया था 1971 में। तो उसके लिए ना आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए बाय बाय।